हेलो दोस्तों, मैं डैन कौर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज करंट के टॉपिक में। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे हम जितने 2019 और 20 में युद्धाभ्यास हुए हैं अर्थात मिलिट्री एक्सरसाइज और सैन्य अभ्यास, ठीक इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन को मैंने उठाया है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं सैन्य अभ्यास 2019 और 20 के प्रमुख, ठीक है। इसे सैन्य अभ्यास को युद्धाभ्यास भी कहते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज भी कहते हैं और सैन्य अभ्यास भी कहते हैं, ठीक है शुरू करते हैं। तो हमने लिखा हुआ दोस्तों सैन्य अभ्यास और किन देशों के साथ हुए, देश और किस सेना के साथ सेनाएं लिखा हुआ, और आयोजन स्थल किस स्थल पर हुए हैं, आयोजन हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम अजय वारियर 2020 युद्धाभ्यास। अजय वारियर 2020 युद्धाभ्यास है दोस्तों, वह किन दो देशों के बीच में हुआ, तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ, ठीक है। बात करते हैं कि किस सेना के साथ हुआ, तो दोनों देशों की सेनाएं कौन थल सेना के साथ हुआ है, ठीक है। और कहाँ इस आयोजन हुआ इसका, तो गाजियाबाद, ठीक गाजियाबाद यूपी में, ठीक है। तो अजय वारियर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ, तो ब्रिटेन और भारत के बीच में। कहाँ हुआ, गाजियाबाद यूपी में। और किस सेना के साथ, तो थल सेना के साथ, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास 2020 यह किसके साथ में हुआ, तो यह भी भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ, ठीक है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ और वायुसेना के साथ, ठीक है, दोनों देशों की वायुसेना के साथ। और कहाँ आयोजन हुआ इसका, तो ब्रिटेन में हुआ। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि जो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास है 2020, इसका कौन सा संस्करण था, ठीक है। तो इसका 5वां संस्करण था, ठीक है याद रखना दोस्तों कि इंद्रधनुष 2020 युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ। और कहाँ हुआ आयोजन इसका, तो ब्रिटेन में हुआ। और इसका कौन सा संस्करण है, तो 5वां इसका संस्करण है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, फिर देखते हैं इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास 2020, ठीक अर्थात सैन्य अभ्यास इंदिरा नेवी किसके बीच में हुआ है, तो भारत और रूस के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है। और कौन सी सेना के साथ, तो नौसेना के साथ। और कहाँ इसका आयोजन हुआ है, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। और यह इसका कौन सा संस्करण था दोस्तों, तो इसका 11वां संस्करण था, याद रखना दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास 2020 कहाँ आयोजन हुआ, ब्रिटेन में, कौन सा संस्करण है, तो 5वां संस्करण है। और इंदिरा नेवी जो युद्धाभ्यास है भारत और रूस के बीच में हुआ है, कहाँ हुआ, बंगाल की खाड़ी में, कौन सा संस्करण है, तो 11वां संस्करण है। ये बात आते हैं दोस्तों सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन युद्धाभ्यास 2020 किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और जापान के बीच में हुआ है, ठीक किस सेना के साथ, तो नौसेना के साथ। और कहाँ हुआ आयोजन, तो इसका चेन्नई में, ठीक है कहाँ हुआ है, चेन्नई, अगर देश पूछे तो भारत में, ठीक। उसके बाद आते हैं मित्र शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 2019 किन दो देशों के बीच में हुआ, तो भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ हुआ, तो पुणे में हुआ है, ठीक है पुणे में, ठीक याद रखना अगर देश पूछे तो भारत में। तो मित्र शक्ति 2019 युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, और किस सेना के साथ, तो थल सेना के साथ दोनों देशों की, और पुणे में हुआ अर्थात भारत में। उसके बाद आते हैं सूर्य किरण, ठीक सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो हुआ है वह किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और नेपाल के बीच, ठीक सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। और किस सेना के साथ हुआ है, तो थल सेना के साथ। और कहाँ हुआ है, तो नेपाल में ही इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों मालाबार। मालाबार युद्धाभ्यास 2019 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मालाबार युद्धाभ्यास 2019 किन देशों के बीच में हुआ, तो इसमें तीन देश हुए हैं, कौन कौन से दोस्तों, तो भारत, जापान और अमेरिका। अब की बार इसमें अमेरिका ने भी हिस्सा लिया है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि मालाबार युद्धाभ्यास 2019 में किन तीन देशों ने हिस्सा लिया, तो भारत, जापान और अमेरिका। और किस सेना के साथ हुआ, तो नौसेना के साथ, ठीक है। कहाँ आयोजन हुआ इसका,
तो जापान में हुआ, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं वरुण युद्धाभ्यास 2019। वरुण युद्धाभ्यास 2019 किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। और किस सेना के साथ? तो नौसेना के साथ युद्धाभ्यास हुआ। और कहाँ हुआ? गोवा। देश पूछे तो भारत, ठीक है, तो गोवा राज्य में हुआ, अर्थात भारत में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैत्री, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैत्री, मैत्री युद्धाभ्यास 2019 किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और थाईलैंड के बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ युद्धाभ्यास। कहाँ हुआ? तो मेघालय, ठीक है, मेघालय में हुआ है, अर्थात भारत में, ठीक है। तो मैत्री युद्धाभ्यास 2019 किन दो देशों के बीच? भारत और थाईलैंड के बीच। और कौन सी सेना? तो थल सेना के साथ, और मेघालय में आयोजन हुआ इसका। उसके बाद आते हैं दोस्तों इंद्र युद्धाभ्यास 2019 किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत और रूस के बीच में हुआ युद्धाभ्यास, इंद्र युद्धाभ्यास, ठीक है, भारत और रूस के बीच में। और बात करते हैं कि इसमें तीनों सेनाओं के साथ में हुआ था, ठीक है, कितनी सेनाओं के साथ? तो तीनों सेनाओं के साथ यह युद्धाभ्यास हुआ है। कौन सा? इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ है, तीनों सेनाओं के साथ। और कहाँ कहाँ आयोजन हुआ? तो तीन जगह इसका आयोजन हुआ, कहाँ? झांसी, पुणे और गोवा में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट वेरी वेरी है कि इंद्र युद्धाभ्यास किन देशों के बीच? तो भारत और रूस के बीच। और कौन सी तीन सेनाओं के साथ? तो तीनों सेनाओं के साथ, जल थल और वायु, तीनों सेनाओं के साथ। और तीन जगह इसका आयोजन भी किया गया था, तो झांसी, पुणे और गोवा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट थे युद्धाभ्यास तो बहुत सारे हुए दोस्तों, ठीक है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मैंने उन्हीं को ही सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।